क्या राज्य के बिना जिंदगी संभव है, और अगर संभव है तो वो कौन लोग हैं जो मानते हैं कि राज्य के बगैर भी रहा जा सकता है। इस तरह के जितने भी सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके बगैर भी रहा जा सकता है और उनके बगैर रहना बेहतर है। तो आज हम बात करने वाले हैं अराजकतावाद की, उसके की थिंकर्स की, और कैसे वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल में अपने आप को प्रस्तुत करता है। उन सभी बातों को जानने के लिए मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अफेयर्स। तो देखते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं अराजकतावाद को कि अराजकतावाद है क्या। तो अराजकतावाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो 19वीं शताब्दी में इमर्ज होती है। और ये इमर्ज होती है जो ऑपरेसिव गवर्नमेंट सिस्टम होती है और जो सोसाइटल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी वजह से, कि उनमें लोग रहना पसंद नहीं करते। और ये कहती है कि हमें जितने भी फॉर्म के हायरार्किकल अथॉरिटी हैं, चाहे वो स्टेट हो या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो लोगों को दबाता है, लोगों के ऊपर शासन करने का वो करता है, उससे हमें दूर जाना है और हमें एक वॉलंटरी जो कोऑपरेशन का है, म्यूचुअल एड का है, आपस में सहयोग का है, वो सिस्टम ला के आना है। जब हम और आगे देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया है, उनको समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि कैसे थॉट इमर्ज हुआ, क्या क्या की थॉट हैं इसके। तो सबसे पहले प्रोधा हैं, वो म्यूचुअलिज्म और प्रॉपर्टी के बारे में बातें करते हैं। तो उनको फाउंडिंग फादर माना जाता है अराजकतावाद का। उनका एक स्टेटमेंट है जिस पे आपको वीडियो मिलेगा, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट या प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन का आइडिया है वो अपने आप में चोरी का आइडिया है, और वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। फिर वो एक ऐसा सिस्टम बताने की कोशिश करते हैं म्यूचुअलिज्म का, जहाँ जो आपस में व्यक्ति लोग हैं, जो भी जितने व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं, वो आपस में सामान एक्सचेंज करते हैं, साथ में रहते हैं इक्वल बेसिस पे, और उसमें प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं होता, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। जो दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो बकुनिन हैं, जो रिवोल्यूशनरी कलेक्टिविज्म के बारे में बातें करते हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि रशियन रिवोल्यूशनरी हैं, और ये बात करते हैं कलेक्टिव एक्शन की और स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी की। अब इनके बारे में खास बात ये है कि ये जो रशियन सिस्टम था रिवॉल्यूशन के बाद या उसके बाद, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर का एक सिस्टम बन जाता है जहाँ चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही होती हैं, जहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम बन जाता है। तो ये उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, हमें फेडरेटेड कम्यून बनाना है कि जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से काम करे, और वो एसोसिएशंस जहाँ पे पावर जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो लोकल लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइज मॉडल था उसके ही अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं और डिसेंट्रलाइज और फेडरेटेड कम्यून के बारे में ये बातें करते हैं। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं एम्मा गोल्डविन, वो एनार्की और फेमिनिज्म के बारे में बातें करते हैं, और ये अर्ली 20वीं सेंचुरी की थिंकर हैं, और ये बात करती हैं कि कैसे जेंडर और पावर स्ट्रक्चर जो हैं बहुत कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर लिबरेट करना है विमेन को तो हमें जितने भी ये फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस हैं पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म को मिला के, इन सब को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि ये क्यों ऐसा कह रही हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कि जो पावर स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के, चाहे वो पैट्रियार्की हो, कैपिटलिज्म हो, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन्होंने महिलाओं को कैद किया है। तो अगर महिलाओं को इन चीज़ों से बाहर जाना है या इस तरह के ऑपरेशन से जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे बाहर जाना है, तो जो भी स्ट्रक्चर उनको रोकते हैं उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एनार्किज्म प्रमोट करती हैं और फेमिनिज्म भी प्रमोट करती हैं। अब जब इसको हम देखेंगे कि क्या वास्तव में कहीं ऐसा हुआ है, तो जब आप स्टेट के आने से पहले, नेशन स्टेट के इमर्जेंस के पहले, हर बार अलग अलग तरह के सिस्टम होते थे। पुराने समय में भी एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट होते थे, इंडिया में अलग तरीके के स्टेट होते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे दौर आए हैं जहाँ पे कुछ भी ना हो ऐसा वाला दौर रहा है, बहुत पुराना समय छोड़ दो। तो नए ज़माने में ऐसा सिस्टम हुआ है, तो स्पेनिश रिवोल्यूशन जो 1936 में हुई थी उसने कहीं ना कहीं अराजकतावाद का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दिखाया था, और वहाँ पे लोगों ने अरेंज किया था ऐसा रहने का सिस्टम जहाँ पे कलेक्टिव रह रहे थे, कलेक्टिव इंडस्ट्री वो कर रहे थे, और सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज उन लोगों ने बना ली थी स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान। तो इस तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं। इंडियन की सिचुएशन में भी बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, खासतौर पर गांधी जी को भी बोला जाता है कि वो अराजकतावाद को बढ़ावा देते हैं या वो स्टेट को उस तरह से नहीं मानते हैं।
फिर अगर हम आज के ज़माने में देखें कि करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन ऐसे थिंकर्स हैं जो एनार्किज्म को प्रमोट करते हैं या बोलते हैं, तो उनमें नियम चॉम्स्की का नाम इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने इस पॉलिटिकल थॉट को बढ़ाया लिंग्विस्टिक मीडिया और इंटरनेशनल रिलेशन के डोमेन में। और उनका कहना है कि वो लिबर्टेरियन सोशलिज्म और एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे वॉलेंट्री कोऑपरेशन हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, और जितने भी सिस्टम हैं खासतौर पे स्टेट ऑपरेटर्स हैं वो डिसमेंटल हो जाएं। उनके हिसाब से उनको लगता है कि स्टेट ऑपरेटर्स बहुत बार गलत काम करते हैं, इसलिए इनको डिसमेंटल कर देना चाहिए। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से गांधी जी को अराजकतावादी बहुत लोग बोलते हैं, ब्रिटिशर्स और बाकी लोग, उसका रीज़न क्या है कि एनार्किज्म और सिविल डिसोबीडियंस काफ़ी कनेक्टेड है। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि आप अथॉरिटीज जितनी भी हैं उनको चैलेंज करते हैं। जैसे गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया 1931 के आसपास, तो उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज किया कि आपके पास कोई लेजिटिमेट तरीका नहीं है रूल करने का, आप हम लोग के ऊपर गलत तरीके से रूल कर रहे हैं और हम इसलिए आपकी बातें नहीं मानेंगे। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं वो हैं थोरियो, हेनरी डेविड थोरियो, जो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बातें करते हैं। गांधी जी ने वहाँ से मोटिवेशन लिया था, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि क्यों हमें स्टेट को फॉलो नहीं करना चाहिए, अथॉरिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए, तो वहाँ से हम इनके आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एनार्किज्म का इन्फ्लुएंस क्या है सोशल मूवमेंट पे। अब सोशल मूवमेंट क्या होते हैं वो आप जब समझेंगे, तो सोशल मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं, लेबर मूवमेंट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट, तो ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत बार स्टेट के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं, अथॉरिटी के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एनार्किज्म से मोटिवेशन लेते हैं। और जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट एक्शन का, सॉलिडेरिटी का, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का, ये ना कहीं इन बातों से एसोसिएट करते हैं। तो अराजकतावादी जैसे अथॉरिटी को नहीं मानते, सोशल मूवमेंट जितने हैं वो भी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन उनको मिल जाता है। फिर क्रिटिसिज्म और मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं, कि क्या इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि नहीं किया जा सकता। स्टेट वाले तो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्षमता नहीं है, बहुत ही क्योटिक हो जाएगा क्योंकि कोई अथॉरिटी पे यकीन नहीं करता, और बहुत बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये अथॉरिटी को नहीं मानते तो लोगों को लगता है कि अराजकतावाद एक क्योटिक जगह हो जाएगी, जैसे बोला भी जाता है कि पूरी अराजकता फैला दी है, अराजक तत्व हैं, तो उस तरह से देखने की कोशिश कीजिए कि ये काफ़ी क्योटिक माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लोग कहीं ना कहीं वॉलेंट्री कोऑपरेशन प्रमोट करेंगे, सॉलिडेरिटी प्रमोट करेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हम एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जो ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा, ज़्यादा इक्विटेबल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ संदीप सिंह और आप लगातार ऐसे ही पॉलिटिकल अफेयर्स देखते रहें, नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।